गाइस लेट्स स्टार्ट इंडी है हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं यानी दर्शन रावल लेकर आया हूं एक अमेजिंग माइंड ब्लोइंग शो जिसका नाम है इंडी है हम जिस पर हम सब सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और आज मैं ऐसे ही एक अमेजिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से आपको मिलवाने वाला हूं जिनका एक गाना जब आया था तो जितने लोगों का दिल टूटा हुआ था उनके लिए ये गाना एंथम बन गया था आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा गाना है तो आइए मिलते हैं उनसे कम ऑन लेट्स गो जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको एक अमेजिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूँ लेट्स वेलकम द वेरी अमेजिंग द वेरी टैलेंटेड नेशंस हार्टथ्रॉब माय ब्रदर माय फ्रेंड गजेंद्र बर्मन हाय मैन व्हाट्स अप ब्रदर गुड गुड मुझे याद है कुछ सालों पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मेरे पास एक कहानी आई थी और डेडली कहानी आई थी कि एक लड़का है IIT में पढ़ता है रोहन राठौड़ करके और उसको कैंसर है और उसने एक लड़की के लिए ये गाना लिखा है ऐसी कहानी करके मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया मैं बहुत हार्ट फेल्ट आई लव द सॉन्ग आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट सॉन्ग और हर जगह सर्च करता रहा एंड दैट सॉन्ग वाज अ रेज सो लेटर स्टेज में मुझे पता चला कि इट इज योर सॉन्ग बहुत मैंने ढूंढा पर उस वक्त शायद व्हाट्सएप सब नया नया आया था YouTube भी नया नया था मतलब सो आई वांट टू नो व्हाट्स योर स्टोरी बिहाइंड दैट क्या हुआ था एक्चुअली सो मैं भी कॉलेज लास्ट ईयर में था तब और मैंने आई वॉज डूइंग ऑडियो इंजीनियरिंग तो मेरे कॉलेज के स्टूडियोज़ में ही मैंने गाना रिकॉर्ड किया और वहाँ से लीक हो गया गाना और जब इंटरनेट पे लीक हुआ तो ये स्टोरी साथ में आई डोंट नो किसने लगाई क्या लगाई कैसे फैली और आई वॉज लाइक हार्ट ब्रोकन दैट टाइम मैंने कहा यार पहला गाना है और किसी और का नाम है द ओनली थिंग जो अच्छी थी उस टाइम पे कि यार वॉइस मेरी थी सो ये नहीं था कि किसी ने दोबारा गा दिया और यू नो चेंज करके गा दिया एंड सो दैट वाज गॉड किसी ने नहीं किया एब्सोल्युटली वो नहीं हुआ बेसिकली वन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ये गाना लीक हुआ उससे क्या हुआ इज दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड यू नो आई वांट टू डू इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज इट वाज माय सॉन्ग मेरा गाना था जो लोगों को इतना पसंद आया उससे मुझे लगा कि यार आई वांट टू डू दिस दिस इज व्हाट आई एम यू नो आई वांट I am a singer songwriter. अब मैं इसको आपके आवाज में सुनना चाहूंगा मेरी जो मिथ थी रोहन राठौड़ की वो तोड़ के आओने हियर इट इन योर वॉइस Oh love of mine with a song and a wine your harsh and divine like truth and a lie But the tail end's not here I have nothing to fear For my love is yellow Forgiving and hollow And the bright emptiness In a room full of heads Is a cruel mistress But how I feel this unrest That nests a hollowness For I have nowhere to go Feel so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, and I'm so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, yeah, yeah, yeah. इश्क मेरा दर्द मेरा है तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा जाने जहां
feel so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, and I'm so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, yeah, 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 yeah. Woo! Thank you, like, beautiful. So bro, I really love your music videos. मुझे आपके music videos बहुत अच्छे लगते हैं. And what I've seen also कि जो पहले के music videos थे और अभी के हैं, I think slowly, slowly, slowly you're growing. Yeah. Tell them the real struggle, how it was started और कैसे वो जो बड़े-बड़े music video बनाने में कैसे क्या. So I think 4-5 साल पहले की बात है. So all my friends used to come on the set. They used to help me in the production. They've been part of all my videos. So it was like we wanted to do the best for an independent artist. What we have is, you know, we release songs. That's what we do. Like, aur koi hamara kaam hi nahi hai. We just make song and we release it. So video is like a presenting it to the people, and we the team. My brother, he directs all my videos. Okay. So we try to improve every video we can. You know. But मेरा एक और सवाल था, जैसे मैंने गाना किया था सारी की सारी, which is really very close to my heart. और मुझे लगा ये गाना बहुत अच्छा करेगा. Absolutely. It's going to kill it. ये तो the song came out and उतना नहीं कुछ हुआ नहीं. Absolutely. I know. I understand. I have 2-3 songs like that. Tell me which song, कौन से गाने जो बहुत दिल तुमको लगा कि यार ये गाना is going to kill it. So one of the song which I'm most proud of is Tera Hi Rahun. I think that's when you messaged me when I released that song. गाना मैंने सुना और मैंने बस मैंने वो सुनना शुरू कर दिया. इतना खूबसूरत गाना Tera Hi Rahun. I texted him सुनने के बाद वो शेयर किया. That's when we first spoke. Yes, कि ये है independent artist. Please keep doing such amazing songs. Yeah. One interesting story about Tera Hi Rahun also. We shot a video in Jaipur and we didn't like the video. Once it came out, so we spent like money on it, but we didn't like it. And मेरा इतना favorite गाना है वो, मतलब it's like one of my most favorite. And I didn't want to let it go like that. I was like ये तब तक नहीं करूँगा जब तक मन मेरा नहीं होता. So that video came out and we were not liking it. Then we were like क्या करें अभी? Then we waited another 2-3 months, shows किए. पैसे जमा किए, पैसे कमाए, फिर वापस वीडियो डाले उसपे, वीडियो पे डाले, then we shot a video again in Shimla, and that's when we released like finally beautiful released that song. I love this song and I would like to thank you कि independent space में इतने beautiful गाने you have been giving it. Independent music is all about that. आप अपनी voice आगे रखें, अपने thoughts आगे रखें, and if I think if that आप ये कर लेंगे तो it's enough. That's more than enough. तो I think हमारा जो रिलेशन है, it started with that song. So I want you to sing that song. मैं तेरा ही रहूं, तू मेरी ना हो ये फासले ओ मेरी जाना, कहीं भी तू रहे कहीं भी मैं रहूं, ना टूटे ये हौसले साथ निभाना. मैं बन जाऊंगा अगर तू हो रास्ता, स्याही से वक्त की दिलों के वर्क पर यूं लिखते जाएंगे अपनी दास.
सूरज की धूप है, मैं सर्दी की हूँ सुबह, मेरे हर एक मर्ज की तू है दवा। मैं जब भी देख लूं तुझे करीब से, लगे के मिल गया है मेरा खुदा। तू पूरा चांद है, मैं सागर की लहर, कोई तूफान उठे छू लूं तुझे अगर। ओ लग जा सवर जाऊंगा, होगा तेरा सर। ओ, 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 ओ मिल गया मेरा जहां, हो गया तू जो So, अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, जिसका नाम है #questiondarshan, जहां पर मैं आपके सोशल मीडिया के सवालों का जवाब देने वाला हूं। जो आप मुझे सोशल मीडिया पे पूछना चाहते हैं, आप लोग #questiondarshan यूज करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स आंसर। सो पहला सवाल पूछा है चीनी रावल ने, आपकी सरनेम बहुत ही कमाल है। सो उन्होंने मुझे पूछा है, Your every music video comes out in outstanding way, but we don't know what is actually happening behind the scene. There are a lot of things. We travel, we go there. 100 लोगों की टीम होती है, extreme situations में हम शूट करते हैं, जैसे कि हमने हवा बन के शूट किया। We shot it in Banaras और without security हम गए थे, और हमने हमको लगा कि easy होगा, but the weather was not helpful. It was 41 degree, then it was raining. So lot of things were happening. So shoot बहुत difficult होते हैं, बहुत बड़ी team साथ में होती है, so ये सब होता रहता है behind the scenes. Second question है जो मानसी ने पूछा है, how does it feel when you see and hear so many people screaming your name in your concert? So let me tell you, मानसी, मैं जब 7th-8th में था, तो रात को सोने से पहले मैं आंखें बंद करके सोचता था कि एक बड़ा स्टेज होगा, और स्टेज पर जाने से पहले बैक स्टेज पर लोग मेरा नाम चिल्ला रहे होंगे, मैं स्टेज पर जाऊंगा और फुल एनर्जी के साथ आई विल सिंग सॉन्ग्स, मेरे म्यूजिक वीडियोस होंगे। सो एवरी डे आई यूज टू ड्रीम दिस। अब सच में एक्चुअली व्हेन आई गो टू अ कॉन्सर्ट, तो बैक स्टेज मुझे मेरा नाम सुनाई देता है, और मैं उसी तरह से आई गो एंड सिंग। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइस, थैंक यू। सो अगर आपको भी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन पूछने के बाद सोशल मीडिया पे लास्ट में #questiondarshan यूज कर लेना, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे 100%। तो आज का मेरा सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सॉन्ग, इंडिपेंडेंट सॉन्ग ये है, जो मैं आप सबके लिए गाऊंगा। तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ न हो, बाखुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे, मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे।
आज का हमारा जो इंडिपेंडेंट बैंड है उनका नाम है त्रिशूल. इट्स अ मुंबई बेस्ड बैंड जो 2016 में शुरू हुआ. ये लोगों ने 1000 से ज़्यादा शोज ऑलरेडी कर दिए हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में पर इंडिया के बाहर भी. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए. तो आइए लेट्स सेलिब्रेट त्रिशूल्स म्यूजिक टुगेदर. रात की गिरोह में जिंदा भी हूँ या मौत की गोद में, शहर में हूँ या रात की गिरोह में जिंदा भी हूँ या मौत की गोद में. जो है सही मंजिलें जो है कही आरज़ू इतनी मेरी आज मुझको करता मेरे खुदा तेरी इबादत हो मेरे खुदा तेरी इजाहत हो. दुनिया मेरी जो तेरी रहमत हो तेरी इबादत हो बन जाए जिंदगी. मुझको बता जो तेरा है ये रास्ता जो गुमशुदा हसरतें अब है यही हो तुझसे ही अब वास्ता. Beautiful, mind blowing. Sit. Better. Amazing. I loved it. So please, इनको follow कीजिए, इनके music को follow कीजिए, और हम मिलते रहेंगे कुछ amazing artist के साथ. On indie हैं हम, और अगर आपको भी लगता है कि आप independent music करते हैं, and you have it inside you, तो please आपके video post करें और Red FM India को tag कर दीजिए.